वक्त हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आज सदन में काफी हंगामा हो रहा है, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। दरअसल ये हंगामा अनुराग ठाकुर के कल दिए हुए बयान के बाद हो रहा है। ये तो अनर्गल काम कर रहे हैं, ये बेमतलब का कर रहे हैं। इनको हमारे गांव में कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। इनको हर बेल में जाना है, इनको डिस्टर्ब करना है उसको। अगर जाति कोई पूछता है तो क्या बुरा है? अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है, हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है, तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, ये कौन सी बात होगी? विपक्ष नाराज हो गया इस चीज पर। विपक्ष नाराज नहीं हुआ, उसे हाउस को डिस्टर्ब करना है, बहाना कुछ न कुछ होनी चाहिए। लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने उनके जो बयान थे अनुराग ठाकुर का, उसको रीट्वीट भी किया। अब उस पूरे बयान पर जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। क्या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है भाई? ये हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जातीय जनगणना की बात में अनपार्लियामेंट्री क्या है? हमने तो यही कहा ना कि राहुल जी बताएं अपनी जात क्या है। कोई हमसे पूछ ले कि गिरिराज बताओ तुम्हारी जात क्या है, मैं बताऊंगा जात। राहुल जी बता तो दें, अगर उन्होंने पूछ दिया तो हम बता दें कि उनकी जाति क्या है। ये कुछ नहीं है, राहुल गांधी भारत को तहस नहस करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। कभी मुसलमानों के, जब रोहिंग्या का सवाल होगा, बंगाल का सवाल होगा, तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये केवल इनका खुलता है कि सनातनी हिंदुओं को तोड़ना, तहस नहस करना, भारत को तोड़ देना। तो ये